रांची के कोटा में लगभग 2500 छात्र शिक्षा के लिए जाते हैं। ये सभी छात्र पिछले कई सप्ताह से लॉकडाउन की वजह से घर वापस नहीं आ पा रहे हैं। छात्र परेशान हैं और सरकार लाचार। इन सब के बीच झारखंड राज्य बस ऑनर एसोसिएशन ने सरकार से कोटा जाने के लिए परमिशन की मांग की है। सभी चार लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान के कोटा शहर में विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए जाते हैं। बात झारखंड की करें तो यहां से भी बड़ी संख्या में छात्र कोटा में रहकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे छात्र रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, हजारीबाग के होते हैं। कोरोना वायरस की वजह से ऐसे छात्र कोटा से वापस झारखंड नहीं आ पा रहे हैं, जबकि दूसरे कई राज्यों की सरकार ने विशेष बस व्यवस्था करके ऐसे छात्रों को अपने राज्य में बुला लिया। जाहिर सी बात है, झारखंड की चिंता बढ़ती जा रही है। इस बीच झारखंड राज्य बस ऑनर एसोसिएशन ने सरकार से कहा है, यदि उन्हें पर्याप्त परमिशन मिल जाता है तो 250 बसों को राजस्थान के कोटा भेजने के लिए वो तैयार है। बिल्कुल रखते हैं, अगर सरकार निर्देश दे तो हम लोग जरूर ये ला सकते हैं। बिना सरकार के दिशा निर्देश का हम लोग बस तो अभी रोड पर ले नहीं जा सकते हैं। राजस्थान की सरकार ऐसे छात्रों को वापस भेजने को तैयार है जो अपने राज्य वापस जाना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये पहल करेगा कौन। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 250 बसों के माध्यम से अपने छात्र को वापस लखनऊ बुला लिया। कई अन्य राज्य भी कतार में हैं, तो क्या झारखंड की सरकार कोटा में फंसे झारखंडी बच्चों को वापस लाना चाहती है? इस सवाल का जवाब खोजा जा रहा है। कैरियर सलाहकार विकास कुमार कहते हैं कि इसमें बड़ी राजनीतिक पहल की जरूरत है। बस ऑनर एसोसिएशन 250 बसेस देने की बात करती है, उनको तहे दिल से मैं सलाम करता हूं और अनुरोध करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि वो कैसे बढ़े इसकी व्यवस्था बनाए। और इसका मार्ग प्रशस्त कर दिया है राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट ट्वीट किया है कि जहां के बच्चे हैं वो ले जाएं। अभी आपको श्री ज्योति आदित्यराव सिंधिया को ट्वीट किया गया था, वहाँ के लोगों, मध्य प्रदेश लोगों ने, उन्होंने तुरंत फोन उठाया और सचिन पायलट से बात की। बात ही नहीं की, उन्होंने ट्वीट करके इसे फेसबुक पे भी डाला कि हमने बात की। तो मुझे जहाँ तक लगता है सरल व्यवस्था है यहाँ पे। और जिलाधिकारी, ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, जिलाधिकारी कोटा का मैसेज कल रांची के अभिभावक को आया है और एक फॉर्म जारी किया गया है, जो जाना चाहते हैं उसकी लिस्ट बन रही है। तो मुझे लगता है कि मंजिल करीब है, आप भी इस विषय को उठाए हैं, मुख्यमंत्री जी वहाँ संवाद कर लें और इनको जाने की अनुमति दिला दें। झारखंड राज्य बस ऑनर एसोसिएशन ने यहाँ तक कहा है कि वो इस कार्य के लिए सरकार से एक पैसा भी नहीं लेंगे। देखना होगा कि सरकार कोटा में फंसे झारखंडी छात्रों के लिए क्या कुछ निर्णय ले पाती है। लॉकडाउन में बसों के पहिए बेशक थम गए हों, लेकिन सरकार के आदेश के बाद ये तमाम बसें कोटा जाने को पूरी तरह से तैयार है। यानी ये बच्चों की ऐसी दुआएं होंगी जो आसमान से टकराकर नहीं लौटेंगी। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ अजय लाल, न्यूज 11, रांची।